हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नया चैप्टर। ये जो सीरीज बन रही है ये बन रही है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू की, और इस सीरीज का हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। आज चैप्टर नंबर हम 11 करने वाले हैं, और ये जो सीरीज बनाई जा रही है भाई, ये सीरीज चाहे आप एसएल में हो, रेगुलर में हो, एनसीवेब से हो, आपका कोई भी कॉलेज हो, आपके लिए ये सीरीज एप्लीकेबल हो जाएगी। किसी भी सेमेस्टर से आप हो, बस आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे आप बीए से हो, बीए प्रोग्राम से हो, बीकॉम प्रोग्राम से हो, भाई आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस सीरीज को हमने शुरू करा है, ये है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू, और इस सीरीज के साथ साथ हमने इस बुक के नोट्स को प्रिपेयर कर दिया है। अगर आपको किसी को भी इस बुक के नोट्स बाय करने हैं तो वो भी आप मिनिमम अमाउंट में परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करना है, आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप मेरे इस नंबर पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स के पीडीएफ को बाय करना है, तो मिनिमम अमाउंट 30-40 जो भी होगा आप वो पे करके इसकी पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जी हाँ भाई, सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर होंगे, और बुक से ज्यादा वर्थ इट रहेगा। बुक को अगर आप नहीं भी प्रेफर कर पा रहे या बुक को नहीं पढ़ना चाहते 250-300 पेज, तो भाई आप सिर्फ 40-45 पेज पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स बाय कर सकते हो, तो जाके फटाफट से उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है कंपेटिटिव एडवांटेजेस एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। हमने इससे पहले जो चैप्टर था 10th, उसमें मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, मैंने चैप्टर नंबर 10th में बताया था कि एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी क्या होती है। एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये पूरा का पूरा एक ही चैप्टर है जो एडम स्मिथ ने लिखा था। एडम स्मिथ ने दी थी एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी, और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी। अगर आपने वो एडवांटेजेस एब्सोल्यूट वाले नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चैप्टर नंबर 10 है, ऑनलाइन से सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप वो देख सकते हो, ठीक है, पहले वो देख लेना तभी आगे समझ आ जाएगी ये वाली। कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी जो है एब्सोल्यूट के आगे का पोर्शन है, आगे की टर्म्स एंड थ्योरी है। ये क्या बताती है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी को लिखा था रिकार्डो ने। किसने लिखा था सर, रिकार्डो, प्रोफेसर का नाम है रिकार्डो, तो रिकार्डो प्रोफेसर ने कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी को दिया था। रिकार्डो कहते हैं, रिकार्डो क्या कहते हैं कि इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कि जितनी एबिलिटी है किसी चीज को उत्पादन करने की, ए पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एट ए लोअर, भाई टावर नहीं है, लोअर है, एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। कह रहा है कि एक इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है लोअर कॉस्ट पे, मतलब कि जिसमें वो बनाने में एफिशिएंट हो और स्पेशलाइज्ड हो, जहां पर उसको किसी चीज को बनाने में अगर कम खर्चा आ रहा है तो उसको वही चीज, इकोनॉमी को वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, और जिसमें उसको ज्यादा कॉस्ट आ रही है, हायर कॉस्ट लग रही है, वो किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कहती है हमारी कौन सी थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी, ठीक है। और यही सेम चीज जो हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज था उसमें भी कहा गया था, बट थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे लिखा है, इसके अंदर एक वर्ड आया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब समझो आप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओसी, ये रहा, कह रहा है एज ए फैक्टर फॉर एनालिसिस इन चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते टाइम, उत्पादन के समय, जब आप किसी भी फैक्टर को, एक फैक्टर छोड़ के दूसरे फैक्टर की तरफ मूव ऑन करते हो, बढ़ जाते हो, तो उस जगह पर जो आपने फैक्टर छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया, आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, चलो गलती से थोड़ा मोड़ा 250-300 ग्राम आपने नाम सुन लिया उसका, तो समझ जाओगे इंडिया कौन सी कंट्री है। भाई अगर आपकी एक कंट्री है इंडिया, इंडिया में मान लो ज्यादातर उत्पादन होता है मैंगो का, और एक और उत्पादन होता है शू का, इसका शू का, ठीक है। तो इंडिया ना जब एक मैंगो उत्पादन कर रही है और एक शू उत्पादन कर रही है, मतलब जूते, तो दो ही चीजें इंडिया बना रही है, एक मैंगो और एक शू, और धरती पर दो ही चीज भगवान ने बनाई है, एक मैंगो और एक शू, ऐसा समझ लो, ठीक है। इंडिया जो है वो 100 आम बनाती है और 200 शू बनाती है, कितने लेबर कॉस्ट पे, पर आवर पे, पर आवर लेबर पे, मतलब कि अगर मैं एक घंटा लेबर लगाऊं तो मेरे या तो 100 आम बनेंगे, या मेरा एक घंटा इसमें दिया तो 200 शू बनेंगे। अब देखो दोनों में से ज्यादा किसमें बना रहा हूं मैं मैंगो ज्यादा बना रहा हूं या मैं शू ज्यादा बना रहा हूं, तो सिंपल सी बात है,
हम क्या करेंगे जिसमें हम स्पेशलाइज्ड है, जिसको बनाने में हमें कम कॉस्ट आती है और ज्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम उसी को बनाएंगे। तो हम मान लो शूज को बना रहे हैं, शूज कितने बन रहे हैं 200, तो हम क्या करेंगे शूज का प्रोडक्शन तो बढ़ा देंगे और जो मैंगो का प्रोडक्शन हम बंद कर देंगे। और मैंगो हमने बंद कर दिया क्योंकि मैंगो में प्रॉफिट ही नहीं है, मैंगो कम बन रहा है और शूज ज्यादा बना पा रहे थे, हमने शूज बढ़ा दिया। अब जो मैंगो है, अब ये हम क्या करेंगे, ये हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवा लेंगे, जिस कंट्री में मैंगो ज्यादा बन रहे होंगे वहां मैंगो सस्ते पड़ रहे होंगे, तो उस कंट्री से मैंगो ले लेंगे और हमारे में तो शूज बन ही रहे हैं, तो हम अपने शूज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है हमारा कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा, तो देखो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो मैंने एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब कि यहां मैंने शूज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो लेबर मैंगो पे दे रहा था, मैंगो तो अब मैं बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ, किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने मैंगो का प्रोडक्शन बंद कर दिया और मैंगो वाली जो लेबर थी, जो मैंगो बना रही थी, वो सारी लेबर मैंने शू पे लगा दी, तो शू का प्रोडक्शन डबल हो गया होगा क्योंकि एक लेबर 200 बना रहा है, तो दो लेबर लग जाएगी तो 400 डबल हो गया, तो शू का प्रोडक्शन हो गया डबल। और जो मैंने कॉस्ट को सैक्रिफाइस किया, जो प्रोडक्शन सैक्रिफाइस किया, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने किसको छोड़ा, मैंगो को छोड़ दिया ना, किसके लिए, शू के लिए। तो ये जो मैंगो की है ना 100 क्वांटिटी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा था, ये 100 क्वांटिटी है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्या हो गई ओसी, मतलब कि आपने किसी आगे जाके किसी बढ़िया उत्पादन के लिए जो चीजें पीछे छोड़ी हैं, वो जिस चीज को सैक्रिफाइस करा है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सैलरी का एग्जांपल दूं, मान लो आप 3 जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, एक जगह सैलरी है 15,000, एक जगह सैलरी पर मंथ की है, पर मंथ, एक जगह सैलरी है 40,000 और एक जगह सैलरी है 80,000। तो आप तीनों में से कौन सी जॉब करना चाहोगे, जिस पे ज्यादा सैलरी मिल रही है, नॉर्मल सी बात है। तो आपने बोला कि हम 80,000 वाली सैलरी करेंगे, आपने कौन कौन सी सैलरी वाली जॉब छोड़ दी, एक आपने छोड़ दी 15 वाली, एक छोड़ दी आपने 40 वाली। तो जो चीजें आपने सैक्रिफाइस करी है, जो छोड़ा है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपने छोड़ दिया जिसके लिए। ठीक है, तो कितने का छोड़ दिया, 40 और 15 वाली, तो ये दोनों आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने मैंगो को छोड़ा था शू के लिए, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। समझ आ गया, बहुत बढ़िया भाई। सुनो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जब हम दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर में हम जिसको चूज करते हैं, जिसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको चूज कर रहे हैं वो हमारे मेन प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। भाई सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस से पहले ना, पहले आप ये समझो, ये जो टेबल मैंने बनाई है इसको कैसे निकालते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी की टेबल को कैसे बनाया जाता है, पहले ये समझ लो, इसको थोड़ा सा मिटा दो। सुनिए भाई, तो मैंने क्या बताया आपको, कंपैरेटिव की ये टेबल समझनी पड़ेगी। मैंने एब्सोल्यूट में भी ये टेबल कराई थी, जब जाके एब्सोल्यूट की वीडियो खोल के देख सकते हो, बट उसमें क्या है, ये चेंज कर दिया मैंने, अमाउंट वगैरह चेंज कर दिया। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या था कि एब्सोल्यूट में रिकार्डो कहते हैं कि देखो अगर मान लो कोई एक देश एक चीज का प्रोडक्शन एफिशिएंट तौर पे बढ़िया तरीके से स्पेशलाइज कर रहा है और एक चीज में वो कम है, तो जिस चीज को वो स्पेशलाइज तौर पे बना रहा है, अच्छे तरीके से बना पा रहा है, वो तो वो बना ले, और जिसमें वो नहीं बना पा रहा, जिसमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है, वो दूसरों से इम्पोर्ट कर लेगा, ये कहती है। अब यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट तो मैंने पढ़ दी, अब कंपैरेटिव क्या कहती है, अगर मान लो कोई देश ऐसा है जहां पे दोनों चीजें वो बढ़िया तरीके से बना पा रहा है, जैसे कि शूज और मैंगो, दोनों ही चीजें वो अच्छे तरीके से बना पा रहा है एक कोई भी देश, और दूसरा देश दोनों ही चीजों में डाउन है। यहां मैंने बोला दोनों ही चीजें अच्छी बना रहा है, दोनों में एक देश डाउन है, तो जो देश डाउन है दोनों चीजों में और जो देश अच्छा है, क्या दोनों में ट्रेड नहीं होगा, भाई होगा, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव थ्योरी। कंपैरेटिव थ्योरी जो क्या बोलती है, यहां पे मैंने लिया है इंडिया और यहां पे मैंने लिया यूएसए, मतलब कि अमेरिका यूएस। ठीक है, तो देखो इंडिया जो है ये बनाता था पोटैटो, 100 पोटैटो बनाता था एक घंटे में एक लेबर आवर पे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझना कि एक लेबर आवर की बात कर रहा हूं, 1 लेबर आवर और 1 आवर की। ठीक है, एक लेबर आवर में एक घंटे में ये इतने 100 पोटैटो बनाता है इंडिया। ठीक है, और एक ही लेबर आवर में एक ही घंटे में ये 120 किलोग्राम या बोल सकते हो 120 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करता है, एक ही लेबर आवर में एक आवर में ये इतना लीटर मिल्क प्रोड्यूस करता है, कौन, इंडिया, और इतना बनाता है पोटैटो, इतने किलोग्राम बनाता है पोटैटो। ठीक है, अब देखो यूएसए क्या है, यूएसए सेम एक लेबर आवर पे
एक लेबर आर पे और एक लेबर पे 90 का जो है वो प्रोडक्शन करता है पोटैटो, मतलब 90 केजी बनाता है पोटैटो। और जो दूध है वो कितना निकाल रहा है, एक लेबर आर पे 80 किलोग्राम दूध निकालता है वो, ठीक है, पर लेबर आर पे। ठीक, तो यहाँ पे 80 निकाल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, कंपैरेटिव हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो जो इंडिया है वो पोटैटो में भी इससे ऊपर है, मिल्क में भी इससे ऊपर है ना। ये मिल्क भी कम बना रहा है यूएसए और पोटैटो भी कम बना रहा है, तो क्या हम ट्रेड नहीं करेंगे? भाई ट्रेड करने से बेनिफिट होता है, हमने पढ़ा है, तो ट्रेड करना जरूरी है, ट्रेड से होगा बेनिफिट। अब देखो ध्यान से होगा क्या, अब हम ये देखेंगे कि किसको कौन सी चीज छोड़नी चाहिए बनानी, किसको कौन सी चीजों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके लिए कौन सी होगी। तो देखो हम जो चीजें ज्यादा बना रहे हैं हम उसको तो कंटिन्यू रखेंगे, और जो चीजें कम बना रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दूसरे से प्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखो हमारा इंडिया देखो क्या बना रहा है, वैसे तो दोनों ही ज्यादा बना रहा है इसके मुकाबले, मगर अपना इंडिया ना इन दोनों ही चीजों का हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। तो क्या इंडिया पोटैटो ज्यादा बना रहा है या मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ये 120 है और ये 100 है। तो हमने इंडिया को कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करो, जो फैक्टर आप पोटैटो पे लगा रहे थे इसके फैक्टर और लेबर और टाइम ये सारे यहाँ पे दे दो। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, देखो जो फैक्टर आप लगा रहे थे, जो फैक्टर आप पोटैटो पे लगा रहे थे, पोटैटो को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर लगा रहे थे, ठीक है, 100 पोटैटो को, अब वो आपको नहीं बनाने, वो किस पे चले गए, वो चले गए मिल्क पे। और आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है, 120 है, अभी 120 है। जब इसका एक लेबर आर और एक घंटा इसको मिल जाएगा और ज्यादा, तो इसका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, तब इसका प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, है ना। तो हम जो है मिल्क को कितना प्रोड्यूस करने लगेंगे, 240। ये कब हो जाएगा, जब हम ट्रेड करने की सिचुएशन में आ रहे हैं, जब हम ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो हमारा इंडिया जो है पोटैटो कितने बनाने शुरू कर देगा, 0 पोटैटो, 0। मिल्क कितना हो गया, 240, मिल्क बढ़ गया, डबल हो गया। कैसे डबल हो गया, क्योंकि इसके फैक्टर्स जितने भी थे प्रोडक्शन के वो इसमें शिफ्ट हो गए और ये बढ़ गया और इसकी डबल हो गई यहाँ पे बनवाई, ठीक है। दूसरी चीज आता हूँ अमेरिका, अमेरिका दोनों में से किस में ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सी चीज अमेरिका ज्यादा बनाता है, पोटैटो या मिल्क, पोटैटो या मिल्क, कौन सी चीज है भैया, पोटैटो है। पोटैटो 90 प्रोड्यूस करता है और मिल्क सिर्फ 80 प्रोड्यूस करता है। तो मैं क्या बोलूं कि अमेरिका को क्या बनाना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि अमेरिका भाई तू पोटैटो ही प्रोड्यूस कर, पोटैटो ही प्रोड्यूस कर, और जो तेरा मिल्क है ना वो तू इंडिया से ले लियो। हमने बोला कि भाई तू पोटैटो प्रोड्यूस कर और जो मिल्क था वो इंडिया से इंपोर्ट कर लियो, ठीक है, इंडिया से खरीद लियो। और इंडिया को ना जब तू पोटैटो ज्यादा बना रहा है, इंडिया से पोटैटो बना नहीं रहा, इंडिया पोटैटो 0 कर रहा है, तो इंडिया तेरे से पोटैटो इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ, इसने बोला ठीक है आपकी बात ठीक है, आप मेरे को दे देना मैं आपको दे दूंगा, ये हो गया ट्रेड। अब यहां पर इसने मिल्क का प्रोडक्शन कर दिया 0, तो अमेरिका ने मिल्क का प्रोडक्शन कर दिया 0 और मिल्क के बाद इन्होंने पोटैटो का प्रोडक्शन कर दिया, बढ़ा दिया। तो मिल्क जो था कितना था पहले, 80, अब ये कितना हो गया 0, और इसने क्या प्रोडक्शन कर दिया, पोटैटो का, पोटैटो 90 थे तो 2 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इसके जो फैक्टर थे, इसकी जो लेबर थी और टाइम था वो सारे इसमें दे दिया। थोड़ा शांत रहोगे, इसका जो लेबर था, इसकी जो फैक्टर थी वो इसमें दे दिया, अब इसने इसको बढ़ा दिया तो ये आ गया 180, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 180। अब देखो भाई, अब एक प्रोडक्शन हो गया 0, इसका भी 0 और एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, दोनों में बढ़ गया। अब देखो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जब मैंने इसका प्रोडक्शन इसमें बढ़ाया तो इसका जो लेबर आर था, जो भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जा रहा था वो इसमें देने लगा, ऐसे ही जो इसका टाइम था वो इसमें देने लगा। तो जब आपका टाइम दिया तो ये और ज्यादा बढ़ गया, अब ये इसको एक्सपोर्ट कर सकता है आराम से, है ना। और ऐसे ही इसको बोलते हैं ट्रेड, कंपैरेटिव ट्रेड, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 240। अब जरा हम टोटल करो, पहले जो प्रोडक्शन था वो इतना था, पहले इन दोनों को जोड़ने पे 380 आ रहा था, अब इन दोनों को जोड़ने पे 380 से ज्यादा आ रहा है, प्रोडक्शन गेन हुआ है किसके बाद, ट्रेड करने के बाद, ठीक है। तो ये बताती है हमारी कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी, ठीक है। जब आप दूसरे पे जाते हो, फैक्टर्स बढ़ाते हो, तो आपके प्रोडक्शन लेवल में इंक्रीमेंट आता है। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसमें ध्यान से देखो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इंडिया ने किस चीज को बनाने के लिए किस चीज को सैक्रिफाइस किया। तो इंडिया ने मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए पोटैटो को सैक्रिफाइस किया, तो पोटैटो कितना था, 100। तो ये है इसकी ओसी, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिया की। यूएसए ने क्या करा था, इसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिल्क, पोटैटो का मिल्क को सैक्रिफाइस किया, तो ये है इसकी ओसी और ये है इसकी ओसी, ठीक है, समझ आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया।
चलिए अब इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझने का कोशिश करेंगे कि डायग्राम में इसके चार्ट जो है वो कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम में आपको इनके चार्ट वगैरह कैसे कैसे बनाने हैं, तो नीचे डायग्राम से आपको शो करूंगा यहाँ पे। भाई देखो एक ही डायग्राम में मैं दोनों चीजें आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ये डायग्राम है देखो, ठीक है, ये डायग्राम है। मैंने दो चीजें ली हैं, पहला लिया पोटैटो, दूसरा लिया मिल्क। तो मैं यहां लिख लेता हूं पोटैटो इस जगह पे, POTATO पोटैटो, ठीक है। ये वाला हिस्सा मेरा पोटैटो का है और ये वाला हिस्सा मेरा मिल्क का है, ये हिस्सा मेरा मिल्क का है, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो मैं यहाँ पे दो लाइनें लगाऊंगा, ठीक है। पोटैटो, इंडिया पोटैटो कितना बना रहा था 100 और जो मिल्क है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा था 120। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे 50, 100, 150 और 200। तो मैंने इस तरीके से अमाउंट बना दिया। नीचे भी मैं ऐसे बना देता हूँ 50, 80, 120, 150, ठीक है, बना दिया। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो इंडिया 100 पोटैटो बना रहा था और 120 मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था। इंडिया पोटैटो कितने थे 100, मतलब कि पॉइंट कहाँ है ये रहा, और 120 है मिल्क, तो मिल्क कहाँ 120 ये रहा। तो ये बन गया इंडिया का ग्राफ, ये देखो ये बन गया इंडिया का ग्राफ, ठीक है। किसका ये, इंडिया का, इंडिया का। आगे सुनो, जो अमेरिका है वो क्या कर रहा था, 90 प्रोड्यूस कर रहा था पोटैटो और 80 प्रोड्यूस कर रहा था मिल्क। तो 90 प्रोड्यूस कर रहा था मतलब थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, और 80 प्रोड्यूस कर रहा था मिल्क, तो 80 मिल्क ये रहा। तो ये बन गया ये रहा पॉइंट, ये किसका बन गया, यूएस का, यूएस का, ठीक है। देख रहे हो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आपको ध्यान से अब देखना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फायदा इंडिया के प्रोडक्शन में है, क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी एडवांस है और इंडिया का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इसलिए इंडिया का ग्राफ थोड़ा सा देख रहे ऊपर की तरफ बनाया है मैंने, है ना। और जो अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके का बना है, ध्यान से देखना, एक ऐसा और एक ऐसा, ऐसा बना है, ऊपर वाला है इंडिया का, नीचे वाला है यूएसए का। अब आप देख रहे हो कि इसमें इतना ज्यादा बढ़ोतरी है और जो हमारे यूएसए है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है चीजों को, ठीक है। अब देखो जहां पे ये गैप ज्यादा होगा ना, जहां ये गैप ज्यादा हो, ये गैप ज्यादा होगा, इस गैप का ज्यादा होने का मतलब है कि वो दोनों देशों में बहुत ज्यादा गैप है, एक चीज कोई ज्यादा बना रहा है और एक चीज वो बहुत कम बना रहा है, ठीक है। जैसे कि 120 और 80, तो यहाँ गैप आ रहा है 120 और 80, यहाँ गैप देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, ऊपर जाके कम हो रहा है, गैप कम हो रहा है, तो मतलब कि इस चीज में ये दोनों सफिशियंट है बनाने में। इंडिया तो वैसे दोनों में सफिशियंट है, ठीक है। यूएसए जो है किसमें सफिशियंट है, जहां पर यूएस वाली लाइन इंडिया की लाइन से बहुत ज्यादा पास पास में मिली मिली बनेगी ना, पास हुई, तो वो ज्यादा हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो 90 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गैप आ रहा है ना, इसके मुकाबले यहाँ पे ज्यादा गैप है। तो हम कह सकते हैं कि यूएस को ये प्रोड्यूस करना चाहिए जहां पे गैप कम है, जहां गैप ज्यादा है वो चीज उसको प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी जो वो छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है, शो करना है, तो ये इसका कर्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे हम शुरू करते हैं सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस। अब हम आ चुके हैं सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस के ऊपर। भाई देखो कंपैरेटिव एडवांटेजेस के सोर्स लिखे हैं मैंने, इसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है, कह रहा है कि एंडोमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मैन कैपिटल लैंड क्लाइमेट, तो इन सब चीजों को आप यूज करके अच्छे तरीके से अपने ट्रेड को वेल कर सकते हो, अपने ट्रेड की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, ठीक है, दो कंट्री कोई भी। दूसरा लिखा है फैक्टर एंडोमेंट्स, फैक्टर एंडोमेंट्स मतलब कि वो फैक्टर्स जिनकी मदद से आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, जैसे कि आपकी मशीन्स हो गया, जैसे कि आपकी लेबर हो गया, मैन पावर हो गया, हावर रेट हो गया, जिसकी वजह से आप अपनी लेबर पावर इंक्रीज कर रहे हो, तो उन सब चीजों को इंक्रीमेंट करते हैं जो फैक्टर एंडोमेंट में आते हैं। तीसरा आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको बताने की कोशिश करती है कि जहां पर आप चीजों को बेटर तरीके से बना पा रहे हो, वेल तरीके से चीजों को डेवलप कर पा रहे हो, आपको उन चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए जो कि आपके लिए बिल्कुल चीप है, जो कि आपके लिए बहुत सस्ती पड़ रही है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप बना पा रहे हो। ऐसी चीजें जिनको आप बहुत ज्यादा महंगे रेट पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो उनको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपको चीजें
इंपोर्ट कर लेनी चाहिए कहीं दूसरी जगह से। जैसे कि इंडिया और यूएस में देखो, इंडिया में जो चीजें महंगी है, जो चीजें आप मतलब नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे ज्यादा, तो पोटैटो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसने क्या बोला कि पोटैटो को हम अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। और अमेरिका क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था? मिल्क। तो हमने बोला मिल्क आप हमसे ले लेना, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा। आगे लिखा उसके बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है कि अब के टाइम पे ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होगी, जितनी इनहेंस होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा और उतनी ज्यादा ग्रोथ आपकी इनकम में होगी, और जो आपका जीडीपी है उतना ज्यादा इकोनॉमी का वो ज्यादा ग्रो करेगा। अगर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है जिससे आप अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रहे, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, वरना या फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ जाएगा दूसरी जगह से, ठीक है। तो ये थे इसके सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, समझ आ गया। चलिए जी, आगे अगला पॉइंट आता है टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर लिखा टर्म ऑफ ट्रेड, जब हम एक देश से दूसरे किसी देश में जब कुछ भेजते हैं या किसी दूसरे देश से अपने देश में कुछ लाते हैं, तो उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। पहला टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कहता है? कहता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम अदर कंट्री। एक रेट ऑफ एक्सचेंज होता है अदर कंट्रीज का, जो कि हमारा भी होता है और अदर कंट्री का भी होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज का आप ऐसा समझो कि देखो हमारे पास पोटैटो कितने प्रोड्यूस हो रहे थे 100, और यूएस में पोटैटो कितने प्रोड्यूस हो रहे थे 90। अब इसका आप रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लो, तो आप कैसे निकालोगे 100:90, या फिर आप कह सकते हो 100:90, 0 से 0 कट गया तो 10:9। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो पॉइंट में देगा। तो ये रेशो है, क्या है रेशो, कि जब इंडिया जो है अगर 10 पोटैटो प्रोड्यूस करेगा तो जो अमेरिका है वो 9 पोटैटो प्रोड्यूस करेगा, जब इंडिया जो है 10 की जगह 20 पोटैटो प्रोड्यूस करेगा तो अमेरिका जो है वो 18 पोटैटो प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है, एक रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। आगे लिखा दूसरा, रिलेशन बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ट्रेड। कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में एक रिलेशन होता है, मतलब कि इसका फायदा दोनों का ही होता है। दोनों देश अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक चाहे मान लो एब्सोल्यूट एडवांटेजेस पे हो या एक कंपैरेटिव एडवांटेजेस पे हो, तो कोई भी ट्रेड अगर कर रहा है, चाहे एब्सोल्यूट करे या कंपैरेटिव करे, दोनों अगर एक दूसरे से ट्रेड करेंगे तो एक टाइम पे दोनों की डेवलप इकोनॉमी ग्रो करेगी और दोनों के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आएगा। जैसे कि देखो अमेरिका इंडिया के मुकाबले दोनों चीजें कम कम प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, दोनों ही चीजें कम बना रहा था, है ना, और इंडिया दोनों में ही वेल था, चाहे तो इंडिया अगर नहीं भी ट्रेड करता तो भी वो ठीक रहता, है ना, मगर क्या करा इंडिया ने, फिर भी ट्रेड करा। तो देखो जो इकोनॉमी है, पहले जो इकोनॉमी थी इन दोनों को ऐड करने पे 390 बैठेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 390 आएगा। अब इकोनॉमी ट्रेड के बाद, आफ्टर द ट्रेड के बाद क्या हुआ, 240 और इसमें 180 जोड़ दो, 240 में 100 जोड़ेंगे तो 340, 340 में 100 जोड़ दो 440, उसमें से 20 माइनस कर दो 420, तो आपका कितना आ गया इसका 420। पहले जो प्रोडक्शन था वो 390 था, अब वो 420 हो गया। 30 का प्रोडक्शन तो बढ़ा है ना, 30 का प्रोडक्शन तो बढ़ा है ना। तो देखो इसी को बोलते हैं यहाँ पर कि ट्रेड से गेन होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो भी ट्रेड के रिलेशन, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्सपोर्ट प्राइस अराइज देन इंपोर्ट इंप्रूव्ड गेन। कह रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ा रहे हो और आपके इंपोर्ट के प्राइसेस कम है, तब इसको बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है, एक वेल इकोनॉमी है, वो इंप्रूव्ड में है, वेल इकोनॉमी में गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जीडीपी ऊपर जाएगी किसी देश की। कब ऊपर जाएगी? जब आप अपना माल किसी दूसरी कंट्री को भेज रहे हो, जैसे कि अपना जो एक्सपोर्ट है दूसरी कंट्री में कर रहे हो वो ज्यादा का होना चाहिए, और किसी दूसरी से इंपोर्ट जो कर रहे हो वो कम का होना चाहिए, मतलब इंपोर्ट कम करो और माल बेचो ज्यादा दूसरी कंट्री में, तभी तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तभी तो आपको इकोनॉमी अच्छी रहेगी। और जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो, कम इंपोर्ट कर रहे हो, तो इकोनॉमी अच्छी रहेगी। और अगर आप इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब व्हेन इंपोर्ट प्राइस हाई, मतलब कि आप इंपोर्ट तो ज्यादा क्या कर रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो ज्यादा, अपनी तरफ से भेज नहीं रहे हो बेचने के लिए, तो क्या होगा कि दूसरे की इकोनॉमी अच्छी होगी, अपनी गंदी हो जाएगी, अपनी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग कोई ज्यादा चीजें बना के भेज ही नहीं पा रहे वहां, और सब चीजें बस मंगवा रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा कहाँ जाएगा, दूसरे की इकोनॉमी में जाएगा ना,
हमारे पास जो पैसा था हमने अगर कुछ खरीदा तो वो सामने वाले को चला जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, पैसे इनकम ही आएगी ना, नीचे चली जाएगी जीडीपी रेट। तो इसको बोलते हैं कि जब आपने इंपोर्ट को बढ़ाया, इंपोर्ट के प्राइस बढ़ाए और एक्सपोर्ट कम कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और जब आपने एक्सपोर्ट बढ़ाया, जब आपने दूसरे में बेचना चालू किया और वहां से मंगाना कम कर दिया तो इसमें बोलते हैं गेन, प्रॉफिट कब होगा इकोनॉमी को, ठीक है जी। हाँ, एक लास्ट पॉइंट रह गया है टीओटी। टीओटी मतलब होता है कि एक ये रहा टर्म ऑफ ट्रेड। जब आपका टीओटी मतलब टर्म ऑफ ट्रेड जो है जब 100 से ज्यादा होगा, मतलब कि एक लिमिट है 100 लिमिट मान लो तय कर दी, जब आपका टीओटी 100 से अबोव होगा तब उस जगह पे हम बोलेंगे फेवरेबल, और जब वो टीओटी आपका 100 से कम होगा तब हम उसको बोलेंगे अनफेवरेबल। समझ आ गया? जब हम टीओटी को 100 से अबोव लेवल पे रखेंगे तो टीओटी फेवरेबल होगा, और जब हम उसको 100 से नीचे रखेंगे तो टीओटी अनफेवरेबल होगा। ठीक है, समझ आ गया? बस ये थे कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और रह गया, वो मैं आपको करवा दूं। इसको आप उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर किसी को नोट्स परचेज करने तो नंबर हो रहा मैसेज कर देना, नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और अगर मान लो कुछ नहीं, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, और उसके बाद मैं आगे लिखवाने वाला हूँ पॉइंट्स। ठीक है, मिटाने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई इसके आगे वाले टॉपिक्स। अब मैं उसके आगे पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया थे भाई, कंपैरेटिव एडवांटेजेस टर्म है ना, थ्योरी है, इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूले दिए हुए हैं आपकी बुक में, तो वो फॉर्मूले टोटल 7 टाइप्स दिए हुए हैं, वो 7 टाइप्स में बताने वाला हूँ। एक तरीके से हर टाइप में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड के अंदर पहला टाइप है नेट बार्टर, टीओटी, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसको हम कॉमोडिटी ट्रेड भी बोलते हैं, कॉमोडिटी टीओटी भी बोल सकते हो, या फिर आप नेट बार्टर बोल सकते हो। इसको दिया था गिवन बाय टॉसिग ने। ठीक है, टॉसिग ने इसको लिखा था, जो कि इनके प्रोफेसर हैं। तो ये जो नाम है ये प्रोफेसर का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये क्या चीज दिखाता है, इट इज रिलेशन, कह रहे इट इज रेशो बिटवीन टू कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइस। दो कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस के बीच का जो रेशो है ना, वो शो करता है हमारा नेट बार्टर टीओटी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टीई इज इक्वल्स टू पीएक्स अपॉन में पीएम मल्टीप्लाई बाय 100। देखो टीई का मतलब होता है कॉमोडिटी ऑफ टीओटी, पीएक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्स आ गया, याद रखना एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, और जहां एम आएगा, एम का मतलब होता है इंपोर्ट, बस याद रखना। पीएम लिखा हुआ है, एम आ गया, एम का मतलब होता है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट प्राइसेस, एक्स मतलब एक्सपोर्ट मतलब प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये फॉर्मूला होता है नेट बार्टर टीओटी कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब देखो ये जो नेट बार्टर कैलकुलेट करा है, ये नेट बार्टर हमारा करंट ईयर का है, कौन सा, सी वाई, करंट ईयर का। अब हमें कंपैरिजन भी करना होगा पिछले बेस ईयर से। अब हम बेस ईयर को कैलकुलेट करने के लिए कंपैरिजन करेंगे तो बेस ईयर भी निकालना पड़ेगा। तो भाई कंपैरिजन का फॉर्मूला नीचे लिख दिया मैंने, कंपैरिजन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इसको आप बेस ईयर भी मान सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टीई करंट ईयर का फॉर्मूला आपको पता ही है, करंट ईयर का क्या है, पीएक्स पीएम, तो आप लिखोगे पीएक्स और पीएम यहाँ पे नहीं रहेगा, पीएम इधर चला जाएगा। ठीक है, पीएक्स यहाँ पे रहेगा, उसके नीचे रहेगा पीएक्स जो कि पुराने ईयर का था, ये जीरो लिखा है ना, जीरो मतलब है बेस ईयर का। ठीक है, जो जीरो वाले हैं इसका मतलब होता है बेस ईयर, या बोल सकते हो प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर के रेशो है। फिर आपको पीएम वन, पीएम वन मतलब होता है करंट ईयर का आपका जो भी इंपोर्ट है वो, और उसके बाद डिवाइड करना है पीएम जीरो से, मतलब कि जो बेस ईयर का इंपोर्ट है वो, फिर दोनों का रेशो निकालना है, ऐसे आपका रेशो निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आता है ग्रॉस बार्टर टीओटी। ग्रॉस बार्टर टीओटी क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में होने वाली क्वांटिटी एक्सचेंज, मैंने क्या बोला, दो कंट्रीज के बीच में होने वाली क्वांटिटी एक्सचेंज, जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आया, रेशो जो है क्वांटिटी का रेशो, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस बार्टर टीओटी। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये रहा फॉर्मूला टीजी, टीजी से निकालते हैं इसको। ठीक है, तो टीजी कैसे निकलेगा, क्यू एम वन, एम मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एम मतलब होता है आपका इंपोर्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था एम मतलब क्या होता है, इंपोर्ट या इंपोर्ट। ठीक है, तो क्यू एम वन, यहाँ पे वन आएगा, वन का मतलब है सर आपका करंट ईयर, वन का मतलब आएगा करंट ईयर, और जीरो का मतलब है प्रीवियस ईयर, तो वन मतलब है करंट ईयर, और जहां जीरो है उसका मतलब है बेस ईयर,
बेस ईयर या फिर आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये कह सकते हो। तो ये है आपका जीरो, तो मतलब कि कौन सा है, बेस ईयर। तो ये आपका जीरो मतलब कि बेस ईयर। एक्स आ गया तो मतलब कि एक्सपोर्ट, एफपी आ गया तो मतलब इंपोर्ट, एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंपोर्ट, कौन से ईयर का, जीरो लिखा है मतलब कि बेस ईयर का इंपोर्ट है, ठीक है, मतलब कि किस चीज का, क्वांटिटी में जो इंपोर्ट हुआ है बेस ईयर में, वो आपको नीचे लिखना है और दोनों को डिवाइड करना है, इसको भी दोनों को डिवाइड करना है और दोनों का रेशियो सामने सामने आ जाएगा। बाकी ये देख सकते हो किसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि QM1 है तो करंट ईयर का इंपोर्ट क्वांटिटी है, ऐसे ही इनके पीछे बस आप वर्ड लगा लेना क्वांटिटी क्वांटिटी, ठीक है, इसके नीचे भी सेम। अगला पॉइंट है यहाँ पे इनकम TOT कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉरी गेट खोलियो, इनकम TOT कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है भाई, इनकम TOT जो कैलकुलेट करते हैं ये लिखा है डोरेंस ने। किसने लिखा है, प्रोफेसर का नाम क्या, डोरेंस, याद रखना मैं प्रोफेसर के नाम बता रहा हूँ, डोरेंस, ठीक है। इनको ये क्या शो करते हैं, इनकम TOT ये शो करता है कि कितनी कैपेसिटी चेंज आया है, कह रहा है इट शोज द कंट्री की चेंजिंग कैपेसिटी बिटवीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कितना कंट्री के बीच में जो है वो चेंज आया है कैपेसिटी में, ठीक है, कैपेसिटी चेंज शो करता है इनकम TOT। इनकम TOT, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, याद रखना वाई से हम इनकम को मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है TY = TE मल्टीप्लाई बाय QX। अब आप बोलोगे TE क्या है, QX क्या है, ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा है QX का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, और TE मतलब है आपका जितना भी एक्सचेंज होगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पे Y दोबारा निकालने का तरीका एक और दे रखा है नीचे मैंने, PX/PM, X मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इंपोर्ट, QX मतलब क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, सॉरी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, QX। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो इनकम TOT बाय डोरेंस, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल तीन फॉर्मूले, तीन टाइप हो गए अभी तक। तो अब मैं बताने वाला हूँ चौथा टाइप, टोटल इसके 7 टाइप है, मैं 7 के 7 बता दूंगा आपको, ठीक है। चौथा टाइप आता है उसके बाद सिंगल फैक्टर, सिंगल फैक्टर TOT क्या होता है, इनको लिखा है विनर ने, प्रोफेसर वाइनल ने इसको लिखा है सिंगल TOT एक्सपोर्ट का। तो इसका मतलब होता है इट शोज फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इट शोज फैक्टर प्रोडक्टिविटी कि कितने फैक्टर प्रोडक्टिविटी में चेंज आया, आपका कितना प्रोडक्शन चेंज आया फैक्टर प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, PX यहाँ पे दे रखा मैंने PM और नीचे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसका मेंशन कर दिया, ये रहा TS निकालने का, निकलता है TE मल्टीप्लाई बाई FX। तो TE यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ एक्सचेंज, मल्टीप्लाई में FX मतलब कि आपका यहाँ पे मैंने दे दिया है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरा है TS का PX/PM, PX मतलब एक्सपोर्ट का प्राइस जो भी है, PM मतलब जो भी इंपोर्ट का प्राइस है वो, और मल्टीप्लाई बाय FX। ये थे आपके 4 फॉर्मूले, सिंपल फैक्टर का फॉर्मूला ये वाला है जिसको लिखा था वाइनर ने, ठीक है। तो ये थे आपके 4 फैक्टर के फॉर्मूले, ट्रेड्स के टाइप। अभी 3 और रहते हैं, वो 3 मैं और लिखवाने वाला हूं, तो आप वो नोट कर लेना, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। वही तो, चलिए अब लास्ट टॉपिक रह गया है, बस 3 और टाइप्स बताने हैं, मतलब कि 3 न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले और आपको बताने हैं। भाई पांचवा टाइप आता है डबल फैक्टोरियल TOT, मतलब जिसको दिया गया है बाय विनर ने, ठीक है। विनर ने डबल फैक्टोरियल TOT में लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला होता है TD = TE मल्टीप्लाई बाय FX/FM। FX का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, FM का मतलब होता है इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ये जो ऊपर है इसको सेम एज इट इज नीचे ले रहे हैं, ठीक है। TE मतलब यहाँ पे मैंने बताया था चेंज, मतलब कि कमोडिटी TOT, ठीक है। TD = ये जब है, जब आप इसको निकालने के बाद फिर आपको TD दोबारा तरीके से निकालना है, दूसरे तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो। तो TD का फॉर्मूला दोबारा दिया हुआ है PX/PM FX/FM, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो अगला उसके बाद आता है छठा आता है रियल फैक्टर TOT। रियल फैक्टर TOT कैलकुलेट करने का तरीका होता है रियल का, यहाँ पे लिखा है TOT रियल PX/PM, जो कि मैंने बताया था X मतलब होता है एक्सपोर्ट, M मतलब होता है इंपोर्ट, मल्टीप्लाई बाय FX। FX का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, और मल्टीप्लाई बाय RX। RX का मतलब समझो क्या होता है, पर यूनिट ऑफ फैक्टर, कि एक फैक्टर को बनाने पे पर यूनिट जो खर्चा आया है वो, यहाँ पे लिखा ऑफ प्रोडक्टिविटी इन कंट्री एक्सपोर्ट,
जो भी कंट्री से आपने एक्सपोर्ट करा उसका जो पर यूनिट प्रोडक्टिविटी होगा उसको हम कहते हैं आर एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय पीएम। अब नीचे लिखा है उसके बाद दोबारा एक और फॉर्मूला इसका टीई मल्टीप्लाई में, टीई मतलब होता है कमोडिटी टीओटी, मल्टीप्लाई में एफ एक्स आर एक्स, एफ एक्स मतलब एक्सपोर्ट इनपुट एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, और मल्टीप्लाई में आरएक्स, आरएक्स आपको ये दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये है रियल फैक्टर का, ये है डबल फैक्टर का टीओटी। अब एक लास्ट रह गया जिसका नाम है यूटिलिटी टीओटी। यूटिलिटी टीओटी क्या होता है, यू इज इक्वल टू यू एम अपॉन में यू ए। यू एम क्या होता है, यू एम होता है आपका एवरेज यूटिलिटी फ्रॉम इम्पोर्ट। इम्पोर्ट करने से, दूसरी कंट्री से माल को इम्पोर्ट करने से जो आपका एवरेज इम्पोर्ट बना है वो आपका यू एम होगा, और यू ए आपका होता है एक्सपोर्ट जो करा है आपने, डोमेस्टिक कमोडिटी को आपने जो ड्यू टू एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी करी है वो आपका कहलाता है यूए, ठीक है। अगर मान लो आपको इसका, ये तो होता है करंट ईयर निकालने का, ये कौन सा होता है करंट ईयर का निकालने का। अगर आपको कंपैरिजन करने को बोल दिया पेपर में कि करंट ईयर का और बेस ईयर का कंपैरिजन करो, मतलब प्रीवियस ईयर पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन करके बताओ कैसे निकलेगा, तो कंपैरिजन का यूटिलिटी फॉर्मूला ये नीचे मैंने लिख दिया है, सेम वही है जो सबसे पहले वाला बाटर वाला फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला है UM UA UM UA UM UA, बस ये आपको लिखना है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको पहला लेना है वन, वन मतलब होता है आपका करंट ईयर, जहां वन है वहां मतलब होता है करंट ईयर, और जहां जीरो है इसका मतलब होता है बेस ईयर या फिर बोल सकते हो प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, तो वन वन लिखा है, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों करंट ईयर के हैं, करंट ईयर के हैं, और ये दोनों बेस ईयर के हैं, बेस ईयर जहां पे जीरो लगा हुआ, ठीक है, तो ये बेस ईयर या प्रीवियस ईयर के हैं। दोनों को निकाल के दोनों को डिवाइड कर देना, रेशियो निकल के आ जाएगा, दोनों के बीच का कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है, यूटिलिटी का। अब यूटिलिटी टीओटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूटिलिटी का टीओटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको टीयू निकालना पड़ेगा। टीयू कैसे निकलेगा, पी एक्स अपॉन में पी वाई, एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट और पी मतलब होता है प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस जिसको आप बोल सकते हो पी एक्स को, यहाँ पे ये है एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है, और जो पी वाई है आपका, तो ये वाई है, वाई मतलब होती है आपकी इनकम, वाई मतलब क्या होता है इनकम, मैंने बताया वाई इनकम को डिनोट करता है, तो इनकम, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, और मल्टीप्लाई में एफ एक्स, एफ एक्स का कहां गया, ये रहा एफ एक्स, ये रहा एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एफ एक्स, ये रहा एफ एक्स, और मल्टीप्लाई में यू, ठीक है, यू मतलब यूटिलिटी ऑफ टी ओ टी जो भी गिवन होगा, समझ आ गया। तो ये थे इसके न्यूमेरिकल्स, भाई इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, हाँ छोटे मोटे पूछ लेगा कभी कभार, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं कि किसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल सातों के सात फॉर्मूले मैंने बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब मैं हट जाऊं उतार लेना था, ठीक है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर यहाँ पे 11 हो गया है खत्म, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ जो कि जल्दी आ जाएगी, और उसके बाद आपकी पूरी बुक खत्म हो जाने वाली है, चैप्टर नंबर 12 आखिरी चैप्टर रहने वाला है अपना, ठीक है। सारे चैप्टर्स के लिंक है ना, अगर आपने नहीं देखा कोई से भी तो डिस्क्रिप्शन में हर चीज है, डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक लाइन वाइज है, मेरा नंबर भी है कॉन्टैक्ट के लिए, जहां से आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, ये नंबर दे रखा है, आप इस पे जाके मैसेज कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ बाय करनी है, और मैंने सारे चैप्टर वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, लाइन से 1, 2, 3 ऐसे 12 तक, सारे जाके वॉच आउट कर लेना अगर आपने नहीं करे तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और कुछ पूछना है सजेशन करना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बस इतना कर देना और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, 12th चैप्टर जल्दी आने वाला है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो। नोट्स बाय करने हैं तो भाई नोट्स में आपको छोटा सा नोट्स है, छोटे से मतलब कि 40 से 45 पेज की पीडीएफ देंगे, मुश्किल से 40-45 होगी बस हद मार के, जिसमें सारे चैप्टर्स होंगे, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सारे कॉन्सेप्ट को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक्स में, ठीक है, घुसना नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे वीडियो से कर लो, चाहे आप नोट्स से बाय करना चाहते हो, मैसेज कर सकते हो उसके लिए। अभी के लिए नहीं, थैंक यू कीप वॉचिंग, और हाँ नोट सबसे बेस्ट रहेंगे, मैं तो यही कहूंगा, अगर आप बाय करना चाहो तो आप ले सकते हो। अभी के लिए नहीं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, सी यू, बाय बाय। अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।